हाय गाइस, वेलकम टू वीएम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज मैं जो हूँ कुछ अलग व्लॉग लेकर आई हूँ, और ये अलग व्लॉग में आज मैं अपना जो है बैग्स कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे पास कितने बैग्स हैं और कौन कौन से हैं बैग्स। तो मैं आपको जो है वो बड़े से स्टार्ट करके छोटे लेकर जाऊँगी। तो मैं आपको सबसे पहला अपना बैग दिखाती हूँ जो मेरा सबसे बड़ा है। ये मेरा बैग है, ये देखिए, जो सबसे बड़ा है। और आप इसके अंदर देख रहे होंगे कि और जो है वो कुछ अंदर पर्स हैं। और ये मेरा है ज्वेलरी बैग, जिसके अंदर मैंने पाउच रखे हुए हैं, उसके अंदर भी ज्वेलरी है। ये सारे पाउच जो हैं वो इस बैग के अंदर हैं और इनके अंदर ज्वेलरी है। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला, ये है मेरा बैग। मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, और ये मेरा यूनिवर्सिटी बैग है। ये मैं यूनिवर्सिटी लेके जाती थी, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्मूथ है, तो ये कैरी करना भी इजी होता था। बट मैं आपको आगे बताती हूँ, ये सिर्फ मेरा यूनिवर्सिटी ही बैग है। मैं वैसे कैरी इसको नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे इतने बड़े बैग नहीं पसंद। अब है ये वाला, ये वाइट बैग। ये मैंने बहुत 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 ज़्यादा यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने अपना मोबाइल, अपने मनी और अपना जो भी आईडी कार्ड वगैरह होता है वो कैरी करके रखा है, क्योंकि ये आइडियल साइज़ है फॉर मी। दूसरा है दिस वन, ये देखें, जो कि आपने मेरे बर्थडे गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग में भी देखा है, जो मुझे गिफ्ट मिला है अभी अभी। तो ये वाला भी जो है वो अभी मैंने यूज़ नहीं किया। बहुत ही खूबसूरत बैग है और बिल्कुल मेरे मुताबिक साइज़ है इसका। दूसरा है ये वाला, ये देखें, ये आपने मेरे दुबई वाले व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा देखा होगा। ये भी साइज़ मुझे बहुत पसंद आया है। ये भी मेरी सिस्टर ने मेरे लिए ले के रखा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत बैग है। इसके बाद है, देखिए, ये वाला बैग है। ये थोड़ा सा डर्टी हुआ हुआ है, बट ये मैं ये दुबई में लेके गई थी। ये बैग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये जो है हर क्लोथ्स के साथ चला जाता है, और आइडियल साइज़ है इसका, और बहुत ही अच्छी स्ट्रैप है इसकी, और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है कैरी करना। उसके बाद है जी ये वाला, दिस वन। इसकी भी जो जिप्स हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, ये खूबसूरत हैं। ये मुझे जो है ये मेरी, इसके बाद है ये दिस वन। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ऐसे ओपन होता है और अंदर भी जिप है इसके। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मोबाइल आ जाता है और मनी आ जाती है और आईडी कार्ड वगैरह, इजी टू कैरी है ये। इसके बाद है दिस वन, ये देखिए, ये भी है मेरे पास। ये वाला जो है ये मेरे क्लिप्स वगैरह के लिए है, मतलब कि ये मैं बाहर नहीं लेके जाती, सिर्फ क्लिप्स वगैरह रखने के लिए है। कोई भी मैं आपको दिखाती हूँ,
ये देखिए ऐसी क्लिप्स, जो फैंसी क्लिप्स है ना, उनको रखने के लिए मैंने ये वाला रखा हुआ है। बहुत अच्छा है ये भी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना कुछ दो बैग्स हैं जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, और वो क्यों दिखाऊंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये वाला, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मोबाइल आ जाता है और मनी आ जाती है, इजी टू कैरी है। ये भी मेरे पास जितने बैग हैं ना, वो मेरे मुताबिक बहुत अच्छे हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बड़े, जैसे मैंने आपको अपना यूनिवर्सिटी वाला बैग दिखाया है ना, वैसे मुझे बैग्स बिल्कुल नहीं पसंद हैं क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती इतना सारा कुछ क्या रखना है उसके अंदर, बंदे का जो आम है वो भी दर्द शुरू हो जाता है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, ये देखिए ये भी मैं दुबई लेके गई हुई थी तो ये बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही अच्छा है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। इसके बाद दिस वन, ये वाला देखें जो सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, ये ऐसे है और इसके साथ इसकी ये स्ट्रैप भी है कि शोल्डर बैग बनाने के लिए, और इसको जो है ऐसे पकड़ना है, इधर से नहीं पकड़ना, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, इसको यहाँ से कैरी करना है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक और, दिस वन, ये देखें ये जो बैग है ये असल में मेरा नहीं है, ये मामा का है और ये मैंने खुद मामा को बना कर दिया था। ये देखिए, ये मैंने खुद मामा को जो है वो बना के दिया था, ये मेरे पास ही पड़ा होता है क्योंकि मामा ऐसे बैग जो हैं वो यूज़ नहीं करती, वो बड़े बैग यूज़ करती हैं, जैसे मेरा मैंने यूनिवर्सिटी वाला दिखाया वैसे, तो इस वजह से जो है ये मेरे पास ही पड़ा होता है, मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ बट ये मेरे पास ही रहता है। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये मैंने खुद बनाया था। दूसरा है ये वाला, ये देखिए, ये सिर्फ मोबाइल और पैसे रख के तो ले गए कहीं भी, शॉप वगैरह पे करीब ही जाना हो तो, ये भी मैंने खुद बनाया है और ऐसा ही है लेकिन वो थोड़ा फैंसी है, उसके ऊपर मैंने इस तरह का जो है वो फ्लावर बनाया हुआ है, तो वो वाला पिंक कलर का है, वो मुझे मिल नहीं रहा कि मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया है, तो वो भी आपको अगली दफ़ा दिखाऊंगी मैं। और गाइस बताइएगा कि आपको मेरा सबसे अच्छा बैग कौन सा लगा, मुझे यही वाले साइज़ पसंद है, मुझे बहुत बड़े बैग्स नहीं पसंद। तो ये थी मेरी सारी बैग्स की कलेक्शन, आप लोग बताइएगा आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा है। और दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं कि आप मामा के बैग्स की कलेक्शन भी देखें या मेरी जो है वो ज्वेलरी कलेक्शन देखें, तो जो है बहुत सारा मेरे पास ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी के साथ साथ अब बैग्स भी हो गए थे, तो मैंने कहा चले आपको बैग्स मैं दिखाती हूँ। तो अगर आप लोगों ने मामा के बैग्स और मेरी ज्वेलरी देखनी है तो कमेंट कीजिएगा, और अगर ज़्यादा कमेंट्स हुए तो ज़रूर हम जो हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे मामा के बैग्स कलेक्शन और मेरी ज्वेलरी कलेक्शन। तो गाइस इसी के साथ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ अगले व्लॉग में मिलेंगे, खुदा हाफिज़।